अल्मोड़ा जिला जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहे एक अंडरवर्ल्ड डॉन को हाल ही में जेल परिसर में साधुओं ने दीक्षा दी है। डॉन और साधुओं की मुलाकात कराने वाले एक व्यक्ति ने यह दावा किया है। डॉन प्रकाश पांडे उर्फ पीपी के खिलाफ जबरन वसूली, डकैती और हत्या सहित कई आपराधिक मामले लंबित हैं। गैंगस्टर और साधुओं की मुलाकात की व्यवस्था कराने वाले व्यक्ति के साथ दो साधु कथित तौर पर 5 सितंबर को जेल परिसर में दीक्षा समारोह के लिए गए थे। इस दौरान पांडे को रुद्राक्ष की माला और मोतियों की माला यानी कंठी पहनने के लिए दी गई थी। उनके कानों में वैदिक मंत्र भी सुनाए गए थे। दीक्षा के बाद डॉन का नाम बदलकर प्रकाश नंदगिरी भी रख दिया गया। साधुओं ने स्वयं को 5 दशनाम जूना अखाड़ा से जुड़ा हुआ बताया, जिसका मुख्यालय हरिद्वार में है और इनके आश्रम कुमाऊं क्षेत्र में है। जेल परिसर से बाहर आने के बाद साधुओं और मुलाकात कराने वाले कृष्णा कांडपाल ने अल्मोड़ा में एक होटल में कहा कि ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि प्रकाश पांडे में देशभक्ति की भावनाएं हैं और धार्मिक और निर्मल जीवन की ओर वह बढ़ना चाहता है। कांडपाल ने संवाददाताओं से यह भी कहा कि जब मैं पीपी भाई से मिला तो मैं उनकी देशभक्ति की भावना से प्रभावित हुआ। वह एक बार दाऊद इब्राहिम को मारने के लिए पाकिस्तान गया था और वह एक बार किसी और को मारने के लिए भी वियतनाम गया था, लेकिन उसे गिरफ्तार कर लिया गया था क्योंकि उसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया गया था। उसने आध्यात्मिक मार्ग पर चलने की इच्छा जताई थी। मैंने साधुओं से बात की और वे उसे दीक्षा देने के लिए सहमत हो गए। उन्होंने कहा यह एक सामान्य दीक्षा कार्यक्रम था और बड़ा और भी ज्यादा विस्तार कार्यक्रम 2025 में प्रयागराज कुंभ में किया जाएगा। राजेंद्र गिरी नामक एक साधु ने कहा कि प्रकाशनंद गिरी का जीवन जेल में बंद अन्य कैदियों के लिए आध्यात्मिकता और निर्मल जीवन को अपनाने के लिए प्रेरित कर सकता है। नैनीताल उद्यम सिंह नगर सीट से भारतीय जनता पार्टी के सांसद अजय भट्ट ने इस घटना पर टिप्पणी करने से या कहते हुए परहेज किया कि उन्हें इसकी जानकारी नहीं है। उन्होंने कहा मुझे घटना की कोई जानकारी नहीं है, मैं साधुओं पर भी कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। जब उनसे पूछा गया कि अधिकारियों ने जेल परिसर में समारोह आयोजित करने की अनुमति कैसे मिली और किसने दी, तो पूर्व केंद्र मंत्री ने कहा कि वह जेल मैनुअल को पढ़ने के बाद ही इस पर टिप्पणी कर सकेंगे। इस बीच पंच दशनाम जूना अखाड़ा ने कहा कि वह घटना की जांच के लिए 7 सदस्य समिति गठित करेंगे। अखाड़े के अंतर्राष्ट्रीय संयोजक हरिगिरी ने इन खबरों का खंडन किया कि डॉन को अखाड़े का महामंडलेश्वर बनाया गया है। हालांकि उन्होंने कहा कि इन सभी को सनातन धर्म अपनाने का अधिकार है। तो ये थी अंडरवर्ल्ड डॉन प्रकाश पांडे की कहानी, जो वसूली, डकैती, हत्या के मामलों में जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं और अब वो महंत बन गए। तो कैसी लगी आपको पीपी की कहानी, कमेंट कर जरूर बताइएगा।